बीजेपी शासित प्रदेशों के सबसे चर्चित मुख्यमंत्रियों में से एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इन दिनों ये खूब चर्चा में है अपने प्रदेश में योगी बाबा के बुलडोजर चलवाने को लेकर। जिस तरह से योगी मॉडल को अपनाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने प्रदेश में माफियाओं के पर कतर रहे हैं, उससे वो खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उसके बाद जब उनके ही राज्य में उनके ही कार्यक्रम में बिजली गुल हो गई, तो उससे एक बार फिर सीएम शिवराज राजनीतिक गलियारे के बीच चर्चा का विषय बन गए। दरअसल गुरुवार को राजधानी भोपाल की प्रशासन अकादमी में सिविल सर्विस डे पर आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान, जिसमें IAS, IPS और IFS अफसर शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम को जब संबोधित कर ही रहे थे सीएम शिवराज, तो इतने में ही लाइट चली गई। पूरे समारोह में अंधेरा छा गया, माइक भी बंद हो गया। इस स्थिति को संभालते हुए सीएम शिवराज ने संजय दुबे के बारे में पूछा कि संजय दुबे हैं क्या यहाँ। संजय दुबे मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव हैं। फिर आगे सीएम शिवराज ने कहा, कोयले का भी संकट है अभी। कल सुबह ही संजय से बात हुई तो कह रहे थे रैक ज्यादा दिलवा दो। सीएम शिवराज अफसरों से बात करते रहे और 5 मिनट तब हुए जब बिजली लौट आई। मुख्यमंत्री का भाषण खत्म होने से पहले ही बिजली आ गई। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को बहुत अच्छा संदेश दिया। उन्होंने कहा, जीवन ऐसे जिए कि आप जाएं तो लोग हमेशा याद करें। एक कलेक्टर, एक SP पूरे जिले की तस्वीर बदल सकता है। हम और आप मिलकर अपने मध्य प्रदेश को ऐसा बना दें कि लोग कहें कि प्रदेश हो तो ऐसा। लोगों की जिंदगी बदलने का सौभाग्य जन सेवकों और लोक सेवकों को प्राप्त है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल जी तू जमाने के लिए। आप प्रदेश और देश को बदल सकते हैं, ये सौभाग्य आपको प्राप्त है। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को उनके कर्तव्य का कुछ इस तरह से एहसास कराया, लेकिन विपक्षियों का तो ध्यान लाइट गुल होने पर ही गया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बिजली जाने पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट करते हुए लिखा, सिविल सेवा दिवस पर प्रशासन अकादमी में मामा जी के संबोधन के दौरान काफी देर तक बिजली हुई गायब, माइक भी बंद। मामा जी ने कोयला संकट का भी जिक्र किया। प्रदेश में बिजली संकट को समझा जा सकता है। सीएम के कार्यक्रम के बाद जब बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की PC से ठीक पहले भी बिजली गुल हो गई, तो इसके लिए भी कांग्रेस प्रवक्ता ने तंज कसा। लिखा, प्रशासनिक अकादमी में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान 10 मिनट बिजली गुल होने के बाद बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की PC के ठीक पहले बिजली हुई गुल। प्रदेश में गहराता बिजली संकट, जिम्मेदारों को जनता का दर्द अब पता चलेगा। इससे पहले खबर आई थी कि प्रदेश बिजली संकट से जूझ रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो अघोषित कटौती की जा रही है। इसके पीछे की 3 मुख्य वजह मानी जा रही है। पहला, प्रदेश में सिंचाई के साधन बढ़े हैं, जिससे गर्मी में बड़े पैमाने पर सब्जी और उड़द मूंग की खेती होने लगी है। दूसरा, कोविड काल में 2 साल उद्योग धंधे बंद रहे, इस साल छोटे कुटीर उद्योग धंधे तेजी से काम कर रहे हैं। तीसरा, प्रदेश तब भी बहुत रहा है, AC कूलर का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, शहर और कस्बों में बिजली खपत बढ़ गई है। फिर कोयले के संकट को तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद स्वीकारा, हालांकि उसके लिए प्रदेश में काम किया जा रहा है। देखते हैं संकट से कब तक और कैसे उबर पाता है मध्य प्रदेश। वैसे आप शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में गई बिजली पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।